एटीएस की विशेष कोर्ट में आज पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों संदिग्धों को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है, जिनसे एटीएस पूछताछ कर फंड और इनके आकाओं के नाम समेत कई अहम जानकारियां जुटाने की कोशिश करेगी। एटीएस के पास 14 दिन का वक्त है। यूपी में आतंकी मंसूबे नाकाम, खुलेगा नापाक कनेक्शन का दांत, अलकायदा ने कैसे बनाई पैच, आतंकी खोलेंगे नापाक कनेक्शन। यूपी में पहली बार आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े दो खतरनाक आतंकियों को गिरफ्तार कर लखनऊ समेत कई शहरों को दहलाने की साजिश नाकाम कर दी गई। यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन दोनों आतंकियों को रविवार को लखनऊ में दबोच लिया। इनके पास से दो प्रेशर कुकर बम और एक पिस्तल बरामद की गई है। दोनों ने 15 अगस्त को कई शहरों में मानव बम के जरिए धमाके की साजिश रची थी। अलकायदा एक विश्व का जाना माना आतंकी संगठन है और उसका स्लीपर सेल के बारे में सूचना तंत्र डेवलप किया गया था और फिर उसके बाद ये कल दो लोग उनके पकड़े गए हैं, लेकिन अभी काफ़ी काम इसमें बाकी है। इनको रिमांड पे लिया गया है, उनसे पूछताछ होगी और इनके जो साथी हैं जिन्होंने इनको रेडिकलाइज किया और या फिर जो और इनके साथ रहें उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और आगे की कार्रवाई होनी है। जब ये सब विस्फोटक इकट्ठा कर रहे हैं तो कोई ना कोई घटना तो करते ही, लेकिन क्या कहाँ करते क्या करते वो तो इनसे पूछताछ के बारे में ही बाद में ही पता चल पाएगा। जी हाँ, लखनऊ से अरेस्ट हुए दोनों आतंकियों की कोर्ट में पेशी। एटीएस रिमांड पर दोनों आतंकी अलकायदा से जुड़े हैं। रिमांड के दौरान दोनों से पूछताछ, आखिर कौन थे आतंकियों के मददगार, कैसे यूपी में आतंकियों ने बनाई पैट, यूपी में कहां कनेक्शन। यूपी एटीएस ने जिन दो आतंकियों मसरुद्दीन और मिनान अहमद को गिरफ्तार किया था उनको आज कोर्ट में जो है एटीएस ने पेश किया। और अब आप देखिए कि रिमांड के लिए इनको कोर्ट में पेश करके जो है एटीएस की टीम पहुंची थी और सुनवाई के बाद अब इनको ले करके जो है एटीएस की टीम रवाना हो गई है, यानी कोर्ट में सुनवाई अब खत्म हो चुकी है। एटीएस लगातार अच्छा प्रयास कर रही है, परिणाम दे रही है और देश के दुश्मन यानी आतंकवादियों को भी पकड़ लेना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो उनके मंसूबे थे उसको कामयाब नहीं होने देने में बड़ी भूमिका अदा की है। मैं यूपी एटीएस को तो बधाई देता हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से जो है विदेशी हैंडलर से अलकायदा के कुछ संगठनों से जुड़े रहे हैं तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो अतः एटीएस ने बहुत मजबूती से काम किया है और निर्देश उनको शासन स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि बहुत मजबूती से काम करते हुए जड़ तक जाकर जल्दी से जल्दी जो है ऐसे लोगों का पर्दाफाश करें, उनको कानून के गिरफ्त में। एटीएस की छापेमारी के बाद आतंकी मिनहास के मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस की कार्यवाही के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। ये वही गैरेज है यहाँ पे जहाँ पे कमांडो जो है वो कल पूरी तरह से मुस्तैद थे और यहाँ पे जो है वो देखा जा रहा था कि शायद यहाँ पे भी कोई छुपा हुआ हो सकता है। ये एक पूरा मार्केट बना हुआ है, मार्केट में भी सन्नाटा ही है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चहल पहल रहती थी, लेकिन आज कल के छापेमारी के बाद से आज जो है वो सन्नाटा है। बस तो कुछ पुलिस के जवान यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, तैनात हैं, जो कि इस जगह की देखरेख कर रहे हैं। हालांकि जो कल का मंजर था वो बेहद खौफनाक था और तस्वीरें बयान कर रही थीं कि कोई बड़ी आतंकवादी गतिविधि यहां पर संचालित हो रही है। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।